भैया के मील में 175 रुपए महीना पाता है। ओ मैं गणपति गंगा ओ महेवी देवाय तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात। अरे इस घर में काम करने आई है, आराम करने नहीं। सास ससुर को पूरा आराम देगी, घर का पूरा काम संभालेगी। तो दोस्तों अब पेश कर रहे हैं जननाट्य मंच का नुक्कड़ नाटक औरत। मैं एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक अच्छी पत्नी, एक औरत हूँ। एक औरत जो न जाने कब से नंगे पांव रेगिस्तानों की धधकती बालू में भागती रही है। मैं सुदूर उत्तर के गांव से आई हूँ। एक औरत जो न जाने कब से धान के खेतों और चाय के बागानों में अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करती आई। मैं पूरब के अंधेरे खंडरों से आई हूँ, जहाँ मैंने न जाने कब से नंगे पांव सुबह से शाम तक अपनी मरियल गाय के साथ खलियानों में दर्द का बोझ उठाया है। मैं एक औरत हूँ उन बंजारों में से जो तमाम दुनिया में भटकते फिरते हैं। एक औरत जो पहाड़ों की गोद में बच्चे जानती है, जिसकी बकरी मैदानों में कहीं मर जाती है और वो बहन करती रह जाती है। मैं एक मजदूर औरत हूँ जो अपने हाथों से फैक्ट्री में देख कर मशीनों के चक्के घुमाती है। वो मशीनें जो उसकी ताकत को है उसकी आंखों के सामने हर दिन नोटा करती है। एक औरत जिसके खूने जिगर से खूंखार संकालों की प्यास बुझती है। एक औरत जिसका खून बहने से सरमाएदार का मुनाफा बढ़ता है। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयान कर सके। तुम्हारी शब्दावली केवल उस औरत की बात करती है जिसके हाथ साफ है, जिसका शरीर नर्म है, जिसकी त्वचा मुलायम है और जिसके बाल खुशबूदार। मैं तो वो औरत हूँ जिसके हाथों को दर्द की पहली छुरी ने घायल कर दिया है। एक औरत जिसका बदन तुम्हारे अंतहीन शर्मनाक और कमर तोड़ काम से टूट चुका है। एक औरत जिसकी खाल में रेगिस्तान की झलक दिखाई देती है, जिसके बालों से फैक्ट्री के धुएं की बदबू आती है। मैं एक आजाद औरत हूँ जो अपने भाइयों और कुंभलों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर मैदान पार करती है। एक औरत जिसने मजदूर के मजबूत हाथों की रचना की है और किसान की बलवान भुजाओं की। मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ। मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है, मेरी रग रग में नफरत की आग भरी है। तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख एक भ्रम है और मेरा नंगापन एक ख्वाब। एक औरत जिसकी तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयान कर सके। एक औरत जिसके सीने में गुस्से से फफकते नासूरों से भरा एक दिल छुपा है। एक औरत जिसकी आंखों में आजादी की आग के लाल साए लहरा रहे हैं। एक औरत जिसके हाथ काम करते करते सीख गए हैं कि लाल झंडा कैसे उठाया जाता है। आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी बिटिया की छोटी सी कहानी। 11 × 11 11 × 2 = 22 11 × 3 = 33 अरे मैं पूछता हूँ ये तेरा घर है या स्कूल। बाबा मैं याद कर रही थी, मास्टर जी कहते घर पे पढ़ा करो, समझ में ना आए तो अपने बाबा से पूछो। बाबा से पूछो तो घर में बैठो, घर का काम धाम किया करो। क्या करेगी स्कूल जाके, तुझे कौन दफ्तर रवाना है। पर बाबा मास्टर जी कह रहे थे कल किताब जरूर लाना, ये तो नाम काट देंगे। और कह रहे थे स्कूल की वर्दी खुली हुई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। अरे मैं पूछता हूँ इन हरामजादे स्कूल वालों को, बच्चों को बहकाने के सिवाय कोई काम भी है या दो जून खाने को दाने नहीं। बरसात सर पर है, छप्पर अब तक मरम्मत नहीं करा पाए और ये है, इन्हें किताबें चाहिए, कापियाँ चाहिए, खुली हुई वर्दी चाहिए। कल से ये स्कूल भी स्कूल बंद। नहीं बाबा मैं स्कूल जाऊंगी। अरे चुप रह, तेरे भाई को स्कूल भेज रहा हूँ, उसी में कमर टूटे जा रही है। बाबा मैं भी स्कूल जाऊंगी। बिटिया जिद नहीं किया करती, अब तू कोई बच्ची नहीं रह गई है। 10 साल की होने को आई ढेंग के ढेंग
ढूंढूंगा तेरे लिए कोई काम धाम। और हाँ, अपनी आवाराओं की तरह उधर कूद बंद कर दे, बहुत बुरा जमाना आ गया है। बाबा शाम को खेलने के लिए रास्ता ला दो। इसीलिए कहता हूँ कि बच्चों को स्कूल भेजो ही मत। बच्चों को स्कूल भेजो तो पढ़ाई लिखाई का खर्चा, कापियों किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ये खेल कूद और एक भला हो तो भूखते भी इंसान। अरे गले में लगा के मर क्यों नहीं जाती कमबख्त? तेरी माँ मर गई, तू भी मर जा, पीछा छूटेगा। एक बेटा है, पाल लूंगा किसी तरह। अरे कहाँ से लाऊं तुम सबके लिए? तनख्वाह के नाम पे पिछले 5 बरस से ढेला नहीं बढ़ा। बढ़ाने की बात करो तो वो फैक्ट्री का मालिक तालाबंदी की धमकी देता है, गुंडों से पिटवाता है। और ये है, इन्हें किताबें चाहिए, कापियाँ चाहिए, दुनिया वर्दी चाहिए। जा लाला के यहाँ से आटा लेकर आ। बाबा वो आटा नहीं देता। अरे आटा काहे नहीं देता? उधार देता, कोई भीख तो नहीं देता। तो बाबा उसका बेटा कहता है। क्या कहता है उसका बेटा? कहता है उधार में आटा चाहिए तो दुकान बंद होने के बाद अकेले में आना। सुअर का बच्चा, अगर उधार ना चुकाना होता। और एक दिन बाबा की फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। कल तक वो लाल झंडा यूनियन को गाली देते थे और आज वही झंडा हाथ में लिए चिल्लाते हैं संघर्ष हमारा नारा। आज फेरे हैं, लड़का भैया की मिल में 2000 रुपए महीना तनख्वाह पाता है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, शादी है मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। ओम बोल बाबा स्वतरे अंबर गो देव से धीमा ही दया सास ससुर की आज्ञा मानोगी, सास ससुर की आज्ञा मानोगी, पति को साक्षात भगवान जानोगी, पति को साक्षात भगवान जानोगी, पहले उन्हें खिलाओगी फिर खुद खाओगी, पहले उन्हें खिलाओगी फिर खुद खाओगी, पति ससुर अन्याय भी करे तो उसे न्याय मानोगी, पति ससुर अन्याय भी करे तो उसे न्याय मानोगी, कभी पलट कर जवाब नहीं दोगी, कभी पलट कर जवाब नहीं दोगी, आंखें सदा नीची रखोगी, आंखें सदा नीची रखोगी, फौरन ही कोई काम तलाश करोगी, सुबह सवेरे ही सब्जी मंडी से साग तरकारी लाओगी, फिर कुएं से पानी और बाबा का हुक्का भरोगी, झाड़ू पोंछा चौका चक्की सब तुम ही संभालोगी। इस घर में काम करने आई है, आराम करने नहीं, बिल्कुल नहीं। सास ससुर को पूरा आराम देगी, देगी। घर का काम काज खुद ही संभालेगी, संभालेगी। और इस तरह से गृहस्थी की चक्की में पिसते पिसते पूरे 8 बरस बीत गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कमजोर गंदे और चीची करते हुए। 30 साल की उम्र में 50 साल की बुढ़िया लगती हूँ, मुँह अधेरे जागती हूँ, घर का सारा कामकाज करती हूँ। चक्की पर जाती हूँ गेहूँ साफ करने, दोपहर को चौका बर्तन कर फिर काम पर जाती हूँ, काम करने लौटती हूँ फिर सारा काम। ससुर जी के मरने के बाद से ही मेरा आदमी शराबी हो गया है। राम जादी, रात दिन मार पीट और गाली गलौज करता है, थाने में भी नाम दर्ज है। क्या होगा इन सुअर के बच्चों का, दिन भर आवारा घूमते रहते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबंध नहीं। अभी बड़े होकर अपने बाप पर ही तो जाना है इन्हें। बड़े होकर काम की तलाश में न जाने कहां कहां जाएंगे, कहां कहां भटकेंगे। ये हाल है, मंदिर जाते भले मानस की तरह रहते थे, घर की सकली को चार होती आज। जबान चलाते हराम जादे, आदमी को कहीं आराम नहीं। फैक्ट्री से लौटा हूँ धक्का मांदा, फैक्ट्री में सुपरवाइजर की भौमो, घर में तेरी दो पल का चैन नहीं। दान दहेज के नाम पर तो बाप को सांप सूंघ गया, और बेटी है कि होश ही ठिकाने नहीं। चलो घर का काम काज कर। बड़ी आई है हराम जादी। बच्चे जन्ना सदा भूखे रहे ना सदा, करना मेहनत हमेशा कमर तोड़ कर, कमर तोड़ कर। दारोगा और नेता बेटा दूर से सब
क्योंकि रात के पर्दे में वो खुद भी ये सब करते हैं, क्योंकि रात के पर्दे में वो खुद भी ये सब करते हैं। औरत की हालत का ये तो जाना माना किस्सा है, और झलकियां आगे देखो जो जीवन का हिस्सा है, जो जीवन का हिस्सा है। और झलकियां आगे देखो जो जीवन का हिस्सा है, जो जीवन का हिस्सा है। औरत का एक और रूप, स्कूल पास किया है मैंने, घर वालों को बहुत मुश्किल से कॉलेज भेजने के लिए राजी किया है, भाई जानू दाखिला कराने। नेक्स्ट, अगले कैंडिडेट को अंदर भेजो। नमस्ते सर। अरे गुड मॉर्निंग सर को, ना जाने कहाँ से प्रतिष्ठा चले आता है कॉलेज में दाखिला लेने। तो मैडम आपके कागजात कहाँ हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी। बॉय व्हाट इज ऑल दिस? हमारे यहाँ तो लड़कियों को होम साइंस, सिलाई कढ़ाई, कुकरी बुनरी जैसे कोर्सेज में दाखिला दिया जाता है, अब तुम्हारा क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर, मैं साइंस में फिजिक्स पढ़ना चाहती हूँ, मुझे दाखिला दे दीजिए। तुम लड़कियों को फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहती हो? जी सर, मैं फिजिक्स पढ़कर इंजीनियर बनूंगी। और भाई तुम्हें मालूम है कि फिजिक्स की पढ़ाई पे कितना खर्चा पेश आता है, और यहाँ लिखा तुम्हारे बाप को सिर्फ 2500 रुपया महीना तनख्वाह मिलती है। तुम्हें मालूम है जोशी एंड फर्नांडिस की किताब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन द एज ऑफ वेदांत 556 रुपए की आती है, और ये किताब हर विद्यार्थी को खरीदना जरूरी है। इसके अलावा प्रोफेसर बिल हिंटन की किताब सेक्स लाइव एंड सिलिकॉन चिप्स इन द व्हाइट हाउस 1200 रुपए की आती है। कॉलेज की महीना फीस 250 रुपए, बिल्डिंग फंड के 400 रुपए, लैब चार्जेस 1500 रुपए, कुल मिलाकर 2150 रुपए महीना दे पाओगी। जी हाँ, कुछ ना कुछ करूंगी, ट्यूशन पढ़ा कर दूंगी। ट्यूशन? भाई ट्यूशन पढ़ाओगी तो अपनी पढ़ाई कब करोगी? फेल हो गई तो कॉलेज का नाम बदनाम करोगी। और खैर प्रोफेसर किशनकांत, लड़की ठीक ठाक दिखाई देती है, अभी इसको दाखिला दे देते हैं। क्वाइट राइट प्रोफेसर पुरी, लेकिन इतना याद रखना इस कॉलेज के अपने नियम है, एक परंपरा है, लड़कियाँ लड़कों से बात नहीं किया कर। लड़कियाँ कैंटीन भी नहीं जाती, और राजनीति और हड़तालें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती, समझ गई? जाओ कल से क्लास में आना, बाहर फीस जमा करा दो। दाखिला हो गया और मैं कॉलेज भी जाने लगी, लेकिन आजकल लड़कियों के लिए कॉलेज जाना जाना कोई खेल नहीं है। लगता है पूरा शहर शोधों और गुंडों से भरा पड़ा है, लड़की देखते ही भेड़ियों की तरह झपकते हैं। घर को चली चल कर अरे तमीज से बात कर, बड़ी आई है दारोगन, ऐसी सती सावित्री ना तो घर पर बैठ, काहे को भटक रही है गली कूचों में, और ये सब पसंद नहीं है ना तो टैक्सी में आ जाकर। ये तो रोज ही होता है, आम आदमी आप ही की तरह हंसता है, शरीफ आदमी गुंडों से घबराता है, और पुलिस में तो वर्दीदारी गुंडे ही भरे पड़े हैं। खैर किसी तरह से कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई, बड़े घरों से आने वाले और फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाले लड़के लड़कियों को अच्छे नंबर मिले। मैं रोधो कर पास हुई दूसरी श्रेणी में, नौकरी की तलाश, एक जगह से इंटरव्यू का बुलावा आया, अंदर गई तो देखा कल तक कॉलेज में आवारा गर्दी करने वाला सेठ का बेटा आराम कुर्सी पर बैठा है, वही मालिक था उस दफ्तर का जहाँ नौकरी निकली थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि इंटरव्यू लेने वाला मेरी डिग्री में दिलचस्पी रखता था या मेरे शरीर में। ओ, तो आपकी तो सेकंड डिवीजन है। टाइपिंग शॉर्टन में क्या स्पीड है आपकी? सर टाइपिंग शॉर्टन नहीं आती मुझे। तो फिर क्या आता है तुम्हें, कंप्यूटर वगैरह के बारे में जानती हो? नो सर। तो दफ्तर के काम काज का 15 साल का अनुभव है? सर मेरी उम्र ही तो अभी 20 साल की है, वैसे कॉलेज में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा था, वो सब याद है मुझे। फिजिक्स और केमिस्ट्री? यस सर। फिर तो तुम काले को सफेद और सफेद को काला करना खूब जानती होंगी। काले को सफेद और सफेद को काला, मैं समझी नहीं सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा होता है यहाँ, हर रोज काले को सफेद और सफेद को काला करना पड़ता है, आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं। आप जा सकती है, आप जा सकती है, आप जा सकती है।
हर जगह से यही जवाब मिलता है। अब इस बीएससी की डिग्री का मैं क्या करूं? बेरोजगारी दूर करो, दूर करो, दूर करो। एक दिन मैंने देखा नौजवान सभा का एक जुलूस, बेरोजगारी दूर करो, दूर करो, दूर करो। मैं भी शामिल हो गई उनमें। बेरोजगारी दूर करो, दूर करो, दूर करो। बेरोजगारी दूर करो, दूर करो, दूर करो। अचानक पुलिस आ गई। एक एक को दस दस बड़ी औरों के साथ डाल दिया गया जेल में। जानते हैं क्यों? दंगा करने के अपराध में। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि यह सब क्यों हुआ। मोहल्ले में बिजनामी हुई, बिरादरी में नाक कटी, पर नौकरी के नाम पे वही झाक के तीन पास। चार दिन जेल काटने के बाद घर गई तो पिताजी कहने लगे, लड़की बदसरन हो गई है। मैं ना कहता था, बस भेजो स्कूल, बस भेजो कॉलेज, बाहर की हवा लग दही पर निकल आएंगे। अब बिरादरी में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? इस लड़की को भला वर कहां से मिलेगा? ओ भगवान, अब तो ये कुछ कर। बीवी हो, माँ हो, या हो वो बेटी किसी घर की, कॉलेज में पढ़ने जाती हो चाहे कोई लड़की, हर जगह इस समाज में रहती है वो पीछे। मुंह पर लगे हैं ताले, नजर उसकी है नीचे। मुंह पर लगे हैं ताले, नजर उसकी है नीचे। मुंह पर लगे हैं ताले, नजर उसकी है नीचे। पर सबसे बुरा हाल है उस बदनसीब का, करके मजूरी जो कि चलाती है जीविका, चलाती है जीविका, चलाती है जीविका। स्कूल में हो, फैक्ट्री में, या हो खेत में, रहती है हमेशा ही जुल्म की चपेट में, रहती है हमेशा ही जुल्म की चपेट में, रहती है हमेशा ही जुल्म की चपेट में। आओ दिखाऊं तुमको मैं एक ऐसी ही नारी, के फैक्ट्री में काम जो करती है बेचारी, करती है बेचारी, करती है बेचारी। दम लगा के हईसा, चल मेरे भैया हईसा, घोड़ा रह गया हईसा, मालिक आया हईसा, काला कोयला हईसा, लाल भट्टी हईसा, दम लगा के हईसा, घोड़ा रह गया हईसा, चल मेरे भैया हईसा, और जोर से हईसा। है बढ़िया, हाथ टूट गया तेरे, हट्टी कट्टी नजर आती है फिर भी है हराम खोरी। अरे नहीं है तेरे बस का तो छोड़ दे नौकरी, वो तेरे मिल जाएंगे। सैकड़ा लाइन लगाए खड़े हैं। सबके बराबर काम करती हूँ फिर भी कम दिहाड़ी देते हो, ऊपर से ये डांट। अभी बतलाता हूँ यहाँ का असली मालिक कौन है। ए बढ़िया, बाहर निकल जा, आज से तेरी नौकरी खत्म। सरकार ऐसा जुलम मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे क्यों हाथ जोड़ती है, क्यों गिराती है किसी का आगे खुद को? सालों ने मजाक समझ रखा है, जब मर्जी रख लेंगे, जब मर्जी निकाल देंगे। यूनियन किस काम आएगी? एक अर्जी लिख तू, हम सब तेरे साथ हैं। ना भैया, ये सब मुझसे ना होगा। हमारे यहाँ औरतें चिट्ठी ना लिखा करे, बिरादरी में नाक कट जाएगी। और ये लड़ाई झगड़ा मेरे बस की बात नहीं है, मैं सेठ जी से माफी मांग लूंगी, भगवान जरूर कुछ ना कुछ करेगा। अरे भगवान ही तेरे होते तो इस बुढ़ापे में दो रोटी के लिए ये नहीं दिखाते। हम सब तेरे साथ हैं। चलो बे। क्यों मेरा दुश्मन बना? तुम्हारा तो काम ये फुजूल में हल्लड़बाजी करना, पाना में ना चले झगड़े। मेरे पास न लड़ने की ताकत है न फुर्सत, मैं सेठ जी से माफी मांग लूंगी। मान जा। सरकार, सरकार मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई है, इन लोगों की वजह से मुझ पर क्यों नाराज होते हो? सरकार मेरा पूरा घर बार तुम्हारी दया पर जिंदा है, सरकार मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बढ़िया, मेरे मुंह से निकली बात पत्थर पे लकीर है। कह दिया नहीं है तेरे लिए नौकरी, अरे जा जा अपने हिमायतियों के पास। अरे हिम्मत तो रखवा ले तुझे काम पे, चली जा। खेड़िये से रहम की उम्मीद रखना छोड़ दे, अपनी इन सदियों पुरानी खेड़ियों को तोड़ दे। आ चुका है वक्त अब इस पार या उस पार का, राज जाहिर हो चुका है असली जिम्मेदार का, असली जिम्मेदार का, असली जिम्मेदार का, असली जिम्मेदार का, असली जिम्मेदार का,
संघ ये काम क्यों रोका है? चलो काम से लगो, ये हमारा ऑर्डर है। जब तक इसे काम पर वापस नहीं लोगे काम शुरू नहीं होगा। जब कह दिया इसके लिए काम नहीं है तो नहीं है, तो पूरी हड़ताल होगी। अच्छा बेटा, ये जेवर है। शेरा पुलिस मारो सालों को। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है, मिलके चलो। ये वक्त की आवाज है, मिलके चलो।